दिल्ली के चुनावी दंगल में बीजेपी की कमान अपने हाथों में लेने के बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह मंगलवार को दिल्ली बीजेपी के प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में अध्यक्षता कर राजधानी में कमल खिलाने के लिए योजनाएं बनाएंगे। पार्टी के सूत्रों के मुताबिक बीजेपी एक राजनीतिक प्रस्ताव लाएगी जिनमें चुनावों को लेकर पूरी कार्य योजना होगी। इसके अलावा पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों को आयोजित करने के लिए पूरी रूपरेखा तैयार करेगी। बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली रैली 10 जनवरी को दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में कराने की तैयारी में है और रैली में भीड़ जुटाने का जिम्मा भी पार्टी ने 272 मंडल अध्यक्षों को दे दिया है और 5-5 बसों में कार्यकर्ताओं को भर के लाने का निर्देश भी दिया गया है। साथ ही मंगलवार को कार्यकारिणी की बैठक के बाद अमित शाह बीजेपी के प्रचार ट्रैकों को भी रवाना करेंगे जिसमें LED लाइट वाली बड़ी बड़ी डिस्प्ले लगी होंगी जो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पार्टी का प्रचार करेंगी। जाहिर है दिल्ली का चुनाव बीजेपी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि बीजेपी दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के सहारे चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और मोदी के प्रचार को अमली जामा पहनाने में लगी हुई है। जितेंद्र चौहान, टोटल न्यूज़, दिल्ली।